हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लास 10 का है। यहाँ दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है। एक्सरसाइज है 5.2, उसमें क्वेश्चन नंबर कुछ और है, हमने इसके लिया है। क्वेश्चन जैसे मान लिया यहाँ पे, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। क्वेश्चन टू है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, ये माइनस नहीं है, इन द एपी 18, 15 by 15 whole 1 by 2, 13 and last term is -47। क्वेश्चन कहता है कि ये एक एपी है 3, 8 इस तरह से, तो इसका कौन सा जो टर्म है वो 78 होगा। इसमें पूछता है कि ये लास्ट टर्म, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये लास्ट टर्म है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने टर्म्स होंगे। ये कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, आपको जो फार्मूला आपको जानना है वो जानना पड़ेगा। वो फार्मूला आपके पास है, फार्मूला जो है टी एन मतलब nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हमने प्रूफ कर रखा है, आप देख सकते हैं, और वो भी क्वेश्चन आता है। इसके लिए ए जो है क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका एन, तो nth टर्म है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसके लिए आप फर्स्ट में यदि देखते हैं ना, गिवन एपी जो है आप उसको लिख लेंगे, गिवन एपी आपके पास जो है वो क्या है, आपको 3 है, देन 8 है, देन आपका 13 है, देन 18 है, एंड ये और लास्ट जो है आपका यहाँ पे कितना होगा, ये 78। ये हो सकता है आगे भी जाएगा, ये नहीं कह रहा, ये टर्म नहीं पूछे, ये मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कौन सा ये टर्म होगा, जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये चौथा, तो कौन सा होगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ना, इसमें यहाँ पे आपको क्या है, फर्स्ट टर्म जो है ए, ए ये है 3, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे, चाहे इसमें से ये माइनस कर, कोई लगातार दो टर्म जो है आप माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस होगा, ये हो गया। अब आप हम लोग मान लेंगे लेट द, हमको नहीं मालूम कि कौन सा होगा, तो लेट द nth टर्म, nth टर्म इज 78 हमने मान लिया। देयरफॉर टी एन जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, यानी टी एन आपको दिया हुआ है 78, और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है उसके अनुसार आपका टी एन कितना आएगा, ये आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज आपका ये टी एन जो है ये 78 आया। ए के जगह पे आपका 3 है, आपको एन पता नहीं है, आपको मान लिया एन, और कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 आया है, इतना आपका क्लियर है। इसको यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं यहाँ पे, ये 78 ये इधर आएगा, 78 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू आपका ये हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये यदि माइनस करेंगे ये आपका आ गया कितना 75, दैट इज n माइनस 1 इंटू 5। इसको यदि आगे बढ़ेंगे आप लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका ये 75 डिवाइडेड बाई 5, ये इतना हो गया। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू ये 15 है, n ये यदि उधर ट्रांसपोजिशन करेंगे ये 1 चला जाएगा, n इज इक्वल टू 16, देयरफॉर आप लिखेंगे ये जो होगा तो 16th टर्म यानी 16वां जो टर्म होगा उसका वैल्यू 78 होगा इसमें। अब जस्ट इसका थोड़ा सा आप देख लेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है कि विच, हाउ मेनी टर्म्स, अब इसमें कितने टर्म्स होंगे। ये तो 16वां टर्म था, आगे ही बढ़ते भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे लास्ट आपको टर्म दिया है और आपको पूछ रहा है इसमें टोटल कितने टर्म होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भी आप है ना, फॉर द आप लिखेंगे, फॉर द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके पास है वो क्या है, 18 है, 15 होल 1 बाय 2 है, एंड 13 है, एंड ये लास्ट टर्म 47। इसके लिए आपके पास ए जो है फर्स्ट टर्म आपका 18 है, माइनस नहीं है, ये 18 है। आप कॉमन डिफरेंस दैट इज सी डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे चाहे इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। यदि इसको माइनस करेंगे आपका यहाँ पर ये चीज़ ठीक ठाक होना चाहिए, यदि आप कैलकुलेशन जानते हैं तो, ये आपका 15 टू आर 30 एंड ये 131 बाई 2 माइनस 18, हमेशा याद रखेंगे पहले इधर होगा फिर ये आएगा, इसमें से इसको नहीं माइनस, कॉमन डिफरेंस हमेशा 10 माइनस 10 होगा, ये हो गया, दैट इज आपका ये 36, ये 31, ये बच जाएगा आपको माइनस 5 बाई 2, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ गया माइनस 5 बाई 2। आप यहाँ फिर भी लिखेंगे लेट द
अब यहाँ पर आपको जाना है, लेट द nth टर्म इज इक्वल टू -47। मान लिया ये जो टर्म है ये nth टर्म है जिसका वैल्यू -47 है। दिस इम्प्लाइज आपको क्या होगा, दिस इम्प्लाइज यदि हम टी एन की बात करेंगे, यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज यहाँ टी एन आपका कितना है -47 है, ए कितना है आपका 18 है, प्लस आपको ये एन माइनस वन है और ये है आपका -5/2। ये मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -47 -18 इज इक्वल टू आपको ये -5/2 एंड ये एन माइनस वन यहाँ पर है। इसको यदि आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों माइनस है, इसको ऐड कर देंगे 5 and 4, 5 and 6, दैट इज -65 इज इक्वल टू हो गया ये आपका -5/2 एंड मल्टीप्लाइड एन माइनस वन। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 यहाँ पर आएगा, 5 से इसको करेंगे ये आपका -65 × 2 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू आपका हो गया एन माइनस वन। इसको यदि करेंगे 13 और ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे यदि सॉल्व करेंगे आपको होगा ये कितना -13 × ये दैट इज हो गया माइनस तो रहेगा नहीं, ये बच गया 26 इज इक्वल टू एन माइनस वन और एन इज इक्वल टू 26, इधर ये आ जाएगा दैट इज 27। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27, यानी इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 27 टर्म्स होंगे। थैंक यू सो मच।